नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए आज ये कितना खूबसूरत पैटर्न है। आज हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये इसका राइट साइड से ऐसा लगता है और ये इसका बैक है, बैक से ये ऐसा लगेगा। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में, स्वेटर में, पुलोवर में, किसी में भी डालें, ये बहुत सुंदर बनकर आता है। बनाने में भी इजी है, जो बिगिनर्स हैं वो भी इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। ये 6 रोज़ का है, 6 रोज़ और 6 रोज़ से 12 रोज़ में पूरा हो जाता है। ये 6 और ये 6 12 रोज़ में ये पूरा हो जाता है। ये फ्रंट से, ये राइट साइड से शुरू होता है पैटर्न। इसको बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। जितने भी आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए ले हैं 8 के मल्टीपल में ले लीजिए। 8 के मल्टीपल में फंदे लेके जो हमारे एज स्टिच है वो उसी में इंक्लूड है। एक्स्ट्रा फंदा हमें कोई नहीं लेना और एज स्टिच भी इसी में इंक्लूड है। तो 8 में लेकर इसको हम शुरू करते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करें। यहाँ ये मैंने 24 स्टिचेस लिए, एज स्टिच इसी में इंक्लूड है और कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं है। ये मेरी पहली सिलाई है। फर्स्ट रो राइट साइड से शुरू होगा, इसको हम पूरा सीधा बनाएंगे। नेट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई को पूरा सीधा बनाएंगे। फर्स्ट रो हो गई है, सेकेंड रो है और बैक साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सेकेंड रो है ये हमारी। रो थर्ड सीधी सिलाई है, राइट साइड है। पहला है इसका इसको उतार लेंगे, स्लिप करेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। एज स्टिच स्लिप करके उतार के इसको 2 4 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, थ्रेड पीछे करेंगे। ये जो 2 सीधे फंदे हैं इनको बिना बुने इस सिलाई पर लेंगे, स्लिप कर लेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 थ्रेड पीछे करेंगे, ये 2 फंदे स्लिप कर लेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 थ्रेड पीछे करके आखिर का फंदा है इसको हम बना लेंगे। यहाँ पर जो मैंने बॉर्डर बनाया है 2 सीधे 2 उल्टे का बनाया है, तो जो लाइन है जो हमें 2 फंदे स्लिप करने हैं सीधे फंदों पर, ये ऐसा चलता रहेगा, इससे ये बहुत सुंदर बनकर आएगा। 3 सिलाई हो गई, 4th रो है और उल्टी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये जो 6 फंदे हैं जो हमने सीधी तरफ से उल्टे बनाए थे, यहाँ पर ये सीधे बनेंगे। ये सीधे नज़र आ रहे हैं, इनको भी सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, ये जो 2 फंदे स्लिप कर रहे थे इनको यहाँ स्लिप करेंगे। सीधी सिलाई में स्लिप कर रहे थे, उल्टी सिलाई में भी स्लिप करेंगे। अभी जो 6 फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे, 3 4 5 6
छह फंदे सीधे हो गए, जो सीधी तरफ से उल्टे थे यहाँ सीधे हो गए, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। ये जो दो फंदे हमने बिना बुनाए उतारे थे सीधी तरफ से, यहाँ पर भी उनको बिना बुनाए यहाँ से उतार लेंगे। थ्रेड पीछे करेंगे, छह फंदे सीधे। आखिरी फंदा है, उल्टी सिलाई है, इसका फंदा, इसको उल्टा बना लेंगे। फोर रो हो गई है, रो फाइव। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, छह फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे करेंगे। ये जो दो फंदे हमने सीधी सिलाई में बिना बुने लिए थे, फिर उल्टी सिलाई में बिना बुने लिए थे, उनको फिर से हम बिना बुने उतार लेंगे। थ्रेड आगे करेंगे, छह फंदे सीधे, सॉरी उल्टे, तीन चार पाँच छः। थ्रेड को पीछे करेंगे, ये जो दो फंदे बिना बुने लिए थे, इनको फिर से हम यहाँ पर बिना बुने उतार लेंगे। थ्रेड आगे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फंदे उल्टे, आखिर का फंदा है इसका, इसको सीधी बनाएंगे। रो सिक्स, उल्टी सिलाई है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे करके ये जो छः फंदे थे जो उल्टे बनाए थे, उल्टी सिलाई में सीधे बनेंगे। तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे हो गए, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। ये जो दो फंदे हम स्लिप करते आ रहे हैं पहले से, सीधी में स्लिप करें, फिर उल्टी में करें, फिर सीधी सिलाई में करें, यहाँ पर भी उनको स्लिप कर लेंगे। थ्रेड पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे बिना बुने उतार लेंगे। थ्रेड पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फंदे सीधे, आखिर का फंदा है इसका, इसको उल्टा बना लेंगे। ये छः सिलाई हमारी हो गई, ये छः सिलाई बार बार रिपीट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, फिर से हम ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। सीधी सिलाई हो गई, सिक्स रोज के बाद सेवन्थ रो ये सीधी। रो एट, इसको हम पूरा पहला फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई उल्टे बनाएंगे, पर ऑल स्टिचेस। एट रो हो गई है दोबारा पैटर्न की, दो रो हो गई है, वैसे एट रो हो गई, अब रो ये टेन। अब देखिए पहला फंदा तो कर स्लिप करेंगे, ये जो हमने दो फंदे स्लिप करे थे वो दो फंदे ये वाले करेंगे, इससे दो बार पहले और दो बाद ये छह फंदे उल्टे बनाएंगे। ये जो दो फंदे स्लिप करे थे इसके ये वाले उल्टे बनाएंगे, और इससे पहले वाले दो फंदे उल्टे बनाएंगे। तो जो हमें सीधे फंदे थे स्लिप करने, ये दो वाले करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले दो फंदे उल्टे बनाएंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, इन दो फंदों को बिना बुना उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे। थ्रेड आगे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फंदे उल्टे बनाए, थ्रेड पीछे करके दोनों उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे। थ्रेड आगे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे करेंगे, ये जो दो फंदे हैं इनको बिना बुना उतार लेंगे। यहाँ पर हमारे एक स्लिप के बाद दो उल्टे थे, यहाँ पर दो उल्टे और एक स्लिप, जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही एंड में आ जाएगा।
दो उल्टे, आखिर का फंदा है इसका, इसको हम सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, थ्रेड आगे करेंगे, ये जो स्लिप करे थे बिना बुना फंदे इनको फिर से बिना बुना उतार लेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर थ्रेड आगे करेंगे, ये जो दो फंदे स्लिप करे थे इनको यहाँ भी स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, जो दो फंदे थे इनको स्लिप कर लेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, इसका फंदा इसको उल्टा बना लेंगे। छः सिलाई है और दो सिलाई है, एट रोज़ों में या रो नाइन, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, ये दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर ये छः फंदे, एक दो तीन चार पाँच, छः फंदे उल्टे, ये दो फंदे स्लिप करेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे होगा उल्टे, थ्रेड पीछे करेंगे, ये दो फंदे स्लिप करेंगे। आखिर का फंदा इसको बना लेंगे, दो सिलाई फिर चार सिलाई, फिर ये दो सिलाई उसके बाद ये तीन सिलाई हमारी हो गई, तो छः दो आठ तीन ग्यारह, ग्यारह सिलाई हो गई, ट्वेल्थ रो है और उल्टी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे करके, एक दो फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, ये दो फंदे स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर थ्रेड आगे करेंगे, जो दो फंदे स्लिप करे थे इनको यहाँ पर भी स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, आखिर का फंदा है इसका उल्टी सिलाई है, उल्टा बनाएंगे। ये 12 रो हमारी हो गई, दो सिलाई सीधी, फिर चार में पैटर्न, फिर दो सिलाई सीधी और ये चार में पैटर्न, 12 रोज हो गई हैं। यही 12 रोज हम बार बार रिपीट करेंगे, तो ये बहुत सुंदर सा पैटर्न बनकर आता है। तो आप भी इस पैटर्न को ट्राई कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, ऐसे सुंदर सुंदर पैटर्न देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।